हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी कंपनी के बारे में। दोस्तों, सुजलॉन से रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज़ देखने को मिल रही है। मर्जर की न्यूज़ यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। तो मर्जर के बाद यहाँ पर क्या अपडेट रहेगा, कैसा मोमेंटम रहेगा स्टॉक में, अब यहाँ से देखिए अभी के टाइम अगर देखा जाए तो रिसेंटली लास्ट कुछ दिनों से स्टॉक में एक बड़ा जंप देखने को मिला कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के बाद। बट अभी के टाइम स्टॉक जो है वो एक जगह पर रुक चुका है। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो आगे क्या व्यू रहेगा, किस दिशा में ये स्टॉक जो है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, क्या ये जो स्टॉक है अगेन 60 रुपीज़ के लेवल पे रीटेस्ट करने के लिए आएगा, या फिर इस बार ये 100 रुपीज़ के लेवल्स को टच कर ही लेगा, तो वो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे ब्रोकरेज का ये भी मानना है कि अभी के टाइम शॉर्ट टर्म पर्पज़ के हिसाब से सेफ प्रॉफिट बुक करना बेटर है। तो बहुत सारे लोग 90 रुपये एंड 100 रुपीज़ तक के भी टारगेट निकल के आ रहे हैं ब्रोकरेज की तरफ से। तो यहाँ पर मेरा पर्सनली व्यू क्या है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उसी के साथ साथ अभी रिसेंटली जो न्यूज़ निकल के आ रही है उसको भी इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्राइडे के दिन हमें देखने को मिला कि 1.5% का अपसाइड मूवमेंट रहा है। लास्ट 5 डेज में स्टॉक में 3% की गिरावट, 1 मंथ में 28% तक के बेटर रिटर्न्स देखने को मिले एंड 6 मंथ में 80% तक के रिटर्न्स हमें यहाँ पे नजर आए। बहुत ही अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे हमें कंपनी ने निकाल के दिए। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं तो वो पैसा आपको बना के देगा, चाहे आज नहीं तो आने वाले 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 5 महीने बाद। ओवरऑल अगर कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं तो वहाँ पे पैसा बनेगा। हमने क्या देखा कि जब ये स्टॉक आपका एक रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा था, 5-6 महीने जब ये कंसोलिडेशन किया, स्टॉक ने एक हाई लगाया था 50 रुपीज़ के आसपास, वहाँ से फिर गिरा, ये स्टॉक 35 रुपये आया, फिर अगेन 40-35 रुपये के रेंज पे कारोबार किया। बहुत सारे लोग इसको बेकार स्टॉक बोलना शुरू कर चुके थे। बट इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों यही है, अगर कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं और वो कंसोलिडेट कर रहा है तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। वो बेकार स्टॉक नहीं है, वो हमें कमाई का मौका दे रहा है, वो ऐड करने का मौका दे रहा है कि भाई आपके पास जितना भी फंड है, जितना भी टाइम है, आपके पास 5-6 महीने का टाइम है, ऐड कर लो, क्योंकि अब मैं 5-6 महीने बाद भागने वाला हूँ। तो वही चीज़ है, अगर कोई स्टॉक फंडामेंटल अच्छा है, कंसोलिडेशन कर रहा है काफ़ी टाइम से, तो वहाँ पर मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं पैसा बनता है। तो सबसे पहले अगर मैं कंपनी के फ्राइडे वाले डेटा दिखाऊं तो स्टॉक आपका ओपन होता है 77.7 रुपीज़ के लेवल्स पे, लो वही लगाता है, वहाँ से एक तेज़ी ही हमें दिखती है, 18.50 तक का हाई लगाता है। ऑलमोस्ट 3-4% तक के स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल जाती है। वही अगर मैं वॉल्यूम्स की बात करूँ तो 6,70,00,000 का वॉल्यूम हो रहा है, 530 करोड़ के वैल्यू के शेयर ट्रेड होते हैं, जिसमें 50% क्वांटिटी डिलीवर हो रही है। अब देखिए यहाँ पे इस प्राइस पे भी, मतलब स्टॉक का जो प्राइस है अगर आप देखेंगे तो हमें देखने को मिल रहा है लास्ट कुछ टाइम से 5 रुपीज़ के लेवल से 80 रुपये पहुँच चुका है। स्टॉक का मार्केट कैप जो है वो 1,00,000 करोड़ से ऊपर देखने को मिल रहा है, पी रेशियो जो है वो 100 से ऊपर है। बट ऐसा सब कुछ होने के बावजूद भी स्टॉक में इस लेवल पे भी जो 500 करोड़ के वैल्यू के शेयर ट्रेड हो रहे हैं उसमें से 250 करोड़ के वैल्यू के शेयर लोग बाई करके होल्ड कर रहे हैं, मतलब डिलीवरी उठा रहे हैं, आधी डिलीवरी, जो कि बहुत ही बेटर चीज़ है। यहाँ पे मैक्सिमम स्टॉक्स में क्या होता है, जब स्टॉक जैसे जैसे बहुत ज़्यादा ऊपर जाना शुरू हो जाता है वहाँ पे डिलीवरी कम हो जाती है, लोगों को डर रहता है कि हाँ भाई अभी गिरेगा, तो उस हिसाब से डिलीवरी कम रहती है। बट सुजलॉन में डिलीवरी अच्छी है, 50% डिलीवरी उठाई जा रही है, मतलब स्ट्रेंथ है कंपनी में। स्ट्रेंथ दोस्तों ये होता है कि स्टॉक जैसे मान लो कि अगर 5% गिरता भी है तो अचानक वहाँ से आपके बायर्स जो है वो तैयार हो जाते हैं बाई करने के लिए। सुजलॉन में आपने देखा होगा स्टॉक 2% डाउन होता है बायर्स आ जाते हैं, 3% डाउन होता है बायर्स आ जाते हैं, 4% डाउन होता है, हर गिरावट में सुजलॉन में हमें बायर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर हमें मर्जर से रिलेटेड भी एक बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर सुजलॉन जो है वो हमें विंड एनर्जी में देखने को मिल रही है। सुजलॉन यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की सुजलॉन एनर्जी ने बोर्ड ने पूर्ण मालिकाना हक वाली सहायक कंपनी सुजलॉन ग्लोबल सर्विस लिमिटेड के विलय से जुड़ी योजना को 2 मई 2024 को मंजूरी दी थी। तो दोस्तों यहाँ पर एक अनाउंसमेंट हुआ था कि सुजलॉन ग्लोबल सर्विस लिमिटेड जो है वो सुजलॉन के अंदर शामिल हो जाएगी। इसकी जो मंजूरी है वो यहाँ पे 2 मई 2024 को मिल गई थी। कुछ जो डॉक्यूमेंट्स थे वो कंप्लीट करने थे, कुछ मंजूरी लेनी थी, तो वो यहाँ पर जो है कि हमें देखने को मिली 16 अगस्त को। उसके बाद 1 दिसंबर 2024 की जो डेट थी वो अब घटा के 15 अगस्त कर दी गई है, जो कि डेट ऑलमोस्ट निकल चुकी है। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये है कि यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी का जो ये कंपनी है, जो इसकी सब्सिडरी कंपनी है सुजलॉन ग्लोबल सर्विस लिमिटेड, इस कंपनी का यहाँ पर हमें बहुत जल्द मर्जर होते हुए देखने को मिलेगा सुजलॉन कंपनी के अंदर। अब यहाँ पर जब ये कंपनी सुजलॉन के अंदर जुड़ेगी तो इस कंपनी के जो भी एसेट्स है वो यहाँ पे सुजलॉन के हो जाएंगे, इस कंपनी के ऊपर जो भी डेप्ट है वो भी सुजलॉन का हो जाएगा, इस कंपनी का जो भी प्रॉफिट है वो भी सुजलॉन को काफ़ी हेल्प करेगा कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। तो ये मर्जर की न्यूज़ है, ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है।
जिसमें दोस्तों ये जो मर्जर है, मर्जर के लिए जो रणदाता है, मतलब कि यहाँ पर जो जिन लोगों से लोन ले रखा है कंपनी ने, उनकी भी मंजूरी मिल चुकी है इस मर्जर के लिए, और जो शेयर होल्डर्स है उनकी भी मंजूरी यहाँ पे मिल चुकी है। तो दोनों ने यहाँ पर जो है अप्रूवल कर लिया है। पहले बोर्ड मीटिंग हुई, वहाँ से मंजूरी मिली, एंड अभी के टाइम शेयर होल्डर्स एंड रणदाताओं से भी यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है। तो बहुत जल्द हमें यहाँ पे सुजलॉन में मर्जर होते हुए देखने को मिलेगा। एंड किसी भी कंपनी में दोस्तों मर्जर होता है तो वो कंपनी और भी मजबूत होते हुए देखने को मिल जाती है। तो सुजलॉन को लेके दोस्तों अब मेरा आगे के लिए क्या व्यू है, देखिए मैं लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से सिर्फ फंडामेंटल के ऊपर बिलीव करता हूँ। अगर स्टॉक यहाँ से मान लो अगर बाई चांस ये स्टॉक अगेन 10 रुपये के लेवल्स पे आएगा, नहीं बट एक एग्जाम्पल, अगर ये स्टॉक बाई चांस 10 रुपये के लेवल्स पे भी आ जाए, या फिर यहाँ से 50% भी क्रैश हो जाए, 40 रुपीज़ के लेवल्स पे आ जाए, अगर कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं तो मुझे सुजलॉन पे भरोसा है। बट अगर फंडामेंटल अच्छे नहीं है और ये यहाँ से 150 भी चला जाए, बट मुझे सुजलॉन में रिस्क लगेगा। मतलब यहाँ से मान लो कि कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं है, कंपनी की ग्रोथ नहीं हो रही है, और स्टॉक यहाँ से कंटिन्यू भागते भागते 150 200 भी चला जाए, तो वहाँ पर मुझे रिस्क रहेगा, सुजलॉन से डर लगेगा। बट जब तक कंपनी के फाइनेंशियल्स ग्रो हो रहे, मुझे यहाँ पर सुजलॉन से कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी देखिए यहाँ पर कंटिन्यू, इसकी जो ऑर्डर बुक है वो बहुत ही अच्छी है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑर्डर बुक इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट का क्या टारगेट, गवर्नमेंट का एक अच्छा खासा टारगेट दोस्तों गवर्नमेंट लेके बैठी है, 140 GW तक के जो प्लांट है वो विंड एनर्जी के 2030 तक लगाए जाएंगे। इसमें से कुछ प्लांट लग चुके हैं, कुछ प्लांट अभी बाकी है। तो ऐसे में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 90 GW के आसपास जो प्लांट है वो हमें अभी बाकी देखने को मिल रहे हैं। सुजलॉन भारत में सबसे टॉप लेवल पे है विंड एनर्जी में, तो ये 90 GW में से बड़े प्रोजेक्ट्स कंपनी को मिल सकते हैं, मतलब 50% प्रोजेक्ट्स कंपनी को मिल सकते हैं। अब इसमें यहाँ पर कंपनी में अभी की जो ऑर्डर बुक है वो सिर्फ 4 GW की ही है। जब आने वाले समय में ये 90 GW में से कंपनी को इन फ्यूचर जो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, तो जब कंपनी 4 GW पे ही इतना कुछ कर रही है, तो जब इतने बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे तो कुछ बड़ा ही होते हुए नजर आ सकता है। अभी के टाइम जो रेवेन्यू स्ट्रेंथ है वो अच्छी खासी इंक्रीज हो रही है। अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है अच्छा खासा। क्वार्टर टू के रिजल्ट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे आने की एक्सपेक्टेशन मुझे है। क्वार्टर टू के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो होगा क्या कि सुजलॉन का जो पी रेशियो है वो डायरेक्टली डाउन हो जाएगा। अगर पी रेशियो, अगर रिजल्ट्स जैसे मैं अभी के टाइम एक्सप्रेशन कर रहा हूँ, अगर ऐसे आते हैं तो पी रेशियो बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगा। पी रेशियो अगर ड्रॉप हुआ एंड बाकी ये जो तीन कंपनियां हैं इनसे काफ़ी ज़्यादा अगर ड्रॉप होता है पी रेशियो, तो हमें सुजलॉन में वैल्यू बाइंग देखने को मिल जाएगी, बाकी कंपनीज के मुकाबले ज़्यादा वैल्यू बाइंग देखने को मिलेगी। एंड अभी के टाइम एक इम्पॉर्टेंट ये है कि Q2 के रिजल्ट्स मुझे कैसे लग रहे हैं। देखिए Q2 के रिजल्ट्स मुझे बहुत ही अच्छे आते हुए नज़र आ सकते हैं, क्योंकि हमने क्या देखा है कि अभी तक रेवेन्यू एक जगह पे रुका हुआ था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ईयर ऑन ईयर, जून 2021 में 1100 करोड़, 2022 में 1300 करोड़ एंड 2023 में 1300 करोड़, बट अब वो क्या कर रहा है, मतलब अब तक रेवेन्यू जो है वो एक जगह पर रुका हुआ था, हर साल वही सेम रेवेन्यू, उसके आसपास का रेवेन्यू, बट इस बार क्या किया, बीट किया, अब यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसी के साथ साथ हमने क्या देखा दोस्तों कि सितंबर मंथ में हमें रेवेन्यू एक समान देखने को मिला, 1300 करोड़, 1400 करोड़, 1400 करोड़, एंड यहाँ से कुछ बड़ा हो सकता है रेवेन्यू, 2000 करोड़ से ऊपर तक का आ सकता है इस बार। वही हमने दोस्तों क्या देखा कि अभी तक हमारा जो दिसंबर का जो डेटा है यहाँ पे भी सेम है, 1600 करोड़, 1600 करोड़, सॉरी यहाँ पर 1400 करोड़ एंड यहाँ पर 1500 करोड़, ओवरऑल एक समान देखने को मिला, ग्रोथ नहीं रही। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ से जो ये ग्रोथ दिखी है बहुत ही शानदार ग्रोथ है, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी में इस बार कुछ बड़ा हो सकता है। क्वार्टर टू के जो रिजल्ट है वो बेटर आ सकते हैं। 1421 करोड़ का जो सेल्स है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2000 करोड़ से ऊपर तक का हो सकता है। एंड ऑलमोस्ट हम यहाँ पे इस रिजल्ट के हिसाब से लेके चले तो 370 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर सकती है। 370 करोड़ का अगर ऐसा अगर थोड़ा सा रेवेन्यू और बढ़ता है तो मुझे ऐसा लग रहा है सुजलॉन में कि कंपनी 280 करोड़ से लेके 350 करोड़ तक का प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ईपीएस यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट ईयर सिर्फ 100 करोड़ का ही प्रॉफिट था। तो ईपीएस जब इंक्रीज होगा तो कंपनी में एक बेटर वैल्यू बाइंग हमें देखने को मिल जाएगी। एफआईज वालों की तरफ से कंटिन्यू यहाँ पे होल्डिंग इंक्रीज हो रही है, इस बार तो डीआई वालों ने भी बाई किया, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। धीरे धीरे करके अगर प्रमोट पब्लिक की जो होल्डिंग है वो कंटिन्यू कम हो जाती है तो ये हमारे लिए बहुत ही बेटर रहेगा। वही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रिजर्व बैलेंस शीट बहुत ही अच्छी है। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये था कि सुजलॉन में प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग क्यों नहीं इंक्रीज कर रहे। देखिए सुजलॉन में प्रोमोटर्स इसलिए इंक्रीज नहीं कर रहे क्योंकि होल्डिंग इंक्रीज करने के लिए फंड की जरूरत होती है, प्रोमोटर्स के पास फंड नहीं है। अब आप बोलेंगे कंपनी प्रॉफिट तो कर रही है ना, देखिए ये जो कंपनी प्रॉफिट कर रही है, ये जो भी यहाँ पे 600 करोड़ 800 करोड़ जो भी प्रॉफिट कर रही है, ये कंपनी का पैसा है, प्रोमोटर्स का पैसा नहीं है। ये हम भी इस कंपनी के भागीदार है तो ये हमारा भी पैसा है,
प्रोमोटर्स इस कंपनी को इस प्रॉफिट को हाथ नहीं लगा सकते अपने शेयर खरीदने के लिए। अगर हाँ, प्रोमोटर्स अपनी जो सैलरी आती है कंपनी में, जो जिस पद पे है, कोई सीईओ है, कोई सीएफओ है, जो मैनेजर डायरेक्टर, उनकी जो सैलरी होती है वो सैलरी से अपने ये सुजलॉन में बाइंग कर सकते हैं, बट ये जो कंपनी का पैसा है इसको हाथ नहीं लगा सकते। प्रोमोटर ये कर सकते हैं कि हाँ भाई, डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर दिया, डिविडेंड से जो फंड आ गया उससे बाई कर लिया, बट कंपनी में यहाँ पर डायरेक्टली जो कंपनी का जो प्रॉफिट का पैसा है वो यूज़ नहीं कर सकते। तो अभी के टाइम सुजलॉन में मेरा सिंपल सा व्यू है कि शॉर्ट टर्म पर्पज़ के हिसाब से अगर यहाँ पर हम है तो नॉर्मली थोड़ा सा वॉल्टिलिटी दिखेगी। शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से मैं 74 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस लेके चलूंगा। रही बात लॉन्ग टर्म पर्पज़ के हिसाब से, जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल है एज इट इज मैं ऐसे ही होल्ड करूंगा। लॉन्ग टर्म मतलब 3 से 4 साल 5 साल का व्यू। शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से मेरा ये मानना है अगर हम 90 रुपये 100 रुपये का टारगेट लेके बैठे हैं तो ऐसे में हमें 74 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। 74 का स्टॉप लॉस, 90-100 रुपीज़ मेरे टारगेट है। वही अगर मैं, मेरे कोई टारगेट है नहीं, मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो मैं यहाँ पर एज इट इज बुक कर लूँगा। यही मेरा सिंपल सा व्यू है। शॉर्ट टर्म में वॉल्टिलिटी रहेगी बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मोमेंटम के साथ स्टॉक आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू। बाकी दोस्तों कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन व्यू के हिसाब से ही था। थैंक यू।